है नाइलॉन खम्मन जो ज्यादातर जगहों पे पॉपुलर है। कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति में जब हम कभी उपवास खोलते हैं, बारिशों में लोग कहते हैं कि यहाँ लोगों को एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज लाया हूँ अहमदाबाद में, अहमदाबाद का फूड ब्लॉग देखेंगे। जब गुजरात का नाम आता है तो हमें जनरली लगता है एक टिपिकल फूड जिसमें जो मीठापन ज़्यादा होता है, जिस खाने में जिसमें शक्कर ज़्यादा है या गुड़ का स्वाद ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि गुजरात का मतलब सिर्फ मीठा खाना नहीं है। गुजरात में बहुत सी फूड वेराइटी है और गुजरात ने पूरे देश को ऐसे ऐसे कुजिन्स दिए हैं जिन्हें आप कभी टेस्ट करेंगे तो आप गुजरात को कभी भूल नहीं पाएंगे। और वैसे ही गुजरात में लोग फूडी होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं। देखते हैं अहमदाबाद की इस सिटी में हम कौन कौन सा फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन से मशहूर आउटलेट्स यहाँ पर है या कोई स्ट्रीट फूड। तो एक एक करके सब जगह जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ का खाना है कैसा। वैसे सब जगह गुजरात में खाना अलग अलग है, साउथ गुजरात अलग है, नॉर्थ अलग है। फिलहाल मैं सेंट्रल में हूँ, सेंट्रल की दो मेजर सिटीज़ हैं अहमदाबाद और वडोदरा, लेकिन आज अहमदाबाद से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ का भी एक मिक्स खाना है। आप सौराष्ट्र चले जाएंगे तो वहाँ का एक बड़ा ही रॉ, जो कि बिल्कुल जो देसी खाना होता है गुजरात का, उस तरह का फूड होता है। लेकिन ये जो प्राइम सिटीज़ है यहाँ पर आपको हर तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं हम दास खम्मन शॉप से। मॉर्निंग के समय में लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, नाश्ता करने के लिए कुछ ऐसे अमुक स्पॉट्स हैं यहाँ पर जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम दास खम्मन से। बहुत पुरानी दुकान है, वैसे तो पूरे अहमदाबाद में इनके 10 आउटलेट हैं, लेकिन जो इनका एस्टोडिया रोड पर जो आउटलेट है, जो ओल्ड सिटी में है, वो आउटलेट इनका 100 साल पुराना है। वैसे इस शॉप को भी लगभग 30 ईयर्स हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर आ चुका है और ये दोनों प्लेट्स खम्मन, वेराइटी ऑफ खम्मन से भरी हुई है। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। अब ये तो है इनके नॉर्मल जो दाल के खम्मन होते हैं, आपने जनरली शायद, ये जो खम्मन है ये ज़्यादातर गुजरात में ही पॉपुलर है और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो कभी कभी लोकल ट्रेन में स्पेशली बिकते हैं ये दाल के खम्मन रेलवे स्टेशंस पर। तो ये तो वो खम्मन है, ये भी यही दाल का खम्मन है, रेड कलर में है। इसको टमटम खम्मन बोलते हैं, ये स्पाइसी होता है, मसालों के साथ है, साथ में लेमन तो दिया है। अब ये है इनका, इसे यहाँ पर गुजरात में इदड़ा कहते हैं और ऐसे इन्हें सफ़ेद ढोकला कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनरली कई स्टेट्स में कुछ लोग खम्मन ढोकला कहते हैं, बाकी खम्मन ढोकला ये दोनों अलग शब्द है, खम्मन अलग है और ढोकला अलग है। तो ये गुजरात ने इसको स्पेसिफाई अलग पहले से कैटेगराइज़ किया हुआ है, खम्मन एक अलग चीज़ है एंड दिस इज़ ढोकला, गुजराती ढोकला, नॉट राजस्थानी ढोकला, वो एक अलग है। तो ये हो गए दोनों खम्मन और ये है इदड़ा। ये है नाइलॉन खम्मन जो ज़्यादातर जगहों पे पॉपुलर है और दुकानों पे अदर स्टेट्स में यही मिलते हैं। इसमें ये अलग तरीके से, ये बेसन से बनते हैं, ये दाल के हैं, ये बेसन के हैं। और ये है खांडवी, प्योर गुजराती इनोवेशन, खांडवी बेसन से बनती है और फिर तड़का लगाया जाता है इस पर। अब ये कढ़ी, जैसा मैंने आपने कहा था कि कढ़ी राजस्थान में और गुजरात में बहुत पॉपुलर है, हर तरह के इन कचौरी हो, समोसे हो, खम्मन हो, सबके साथ ये कढ़ी ज़रूर दी जाती है। अच्छा, ये जो चटनी है ये इन्हीं सारे खम्मन को मिक्स करके बनाई गई चटनी है, यानी ये जो चटनी है ये भी इसी खम्मन की है। तो ये है वेराइटी ऑफ फूड। गुजरात में ऐसी बहुत चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन इसका स्वाद होगा, मैं बिना खाए पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसी से शुरू करते हैं, बेसिक खम्मन है, और इस चटनी से ट्राई करते हैं। जिनको जो खाना बनाने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो वाकई में इस चीज़ में दिख रहा है। अगर इनकी शॉप 100 साल पुरानी है तो इसके फ्लेवर में ये बात साबित हो रही है कि वाकई में एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। बहुत अच्छा खम्मन है, ये भी ट्राई करते हैं। स्पाइसी इन्होंने कहा था, स्पाइसी वाकई में है भी, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रेड कलर दिख रहा है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो खम्मन तो नो डाउट दास खम्मन शॉप है और बहुत ही बढ़िया है। ये देख लेते हैं,
ये इससे पहले मैंने गुजरात में कभी खाया नहीं है, गुजरात की डिश है लेकिन मैंने मुंबई में ज़रूर खाई है। लाजवाब स्वाद है। आप कभी भी अहमदाबाद आते हैं यहीं से शुरुआत कीजिएगा क्योंकि मॉर्निंग में ही ये चीज़ें ज़्यादा चलती है। ये तीनों तो नो डाउट एकदम बेस्ट है। चलिए ये नायलॉन खम्मन देखते हैं। ये हालांकि मैंने कई बार खाया हुआ है। इसे जितना सॉफ्ट होना चाहिए उतना ही सॉफ्ट है। टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। अब मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि कोई ऐसी खामी मुझे नज़र ही नहीं आ रही कि मैं आपको कहूं कि ये थोड़ा सा स्पाइसी या थोड़ा सा मीठा कुछ होना चाहिए था। खांडवी देख लेते हैं, ये भी बेहतरीन। अब आप कहेंगे आपने सब बेहतरीन कह दिया, तो वाकई में सब बेहतरीन है। और आप यहाँ आएंगे तो नो डाउट आपको कुछ भी कंप्लेन मुझे नहीं लगता होगी इनके फूड प्रोडक्ट्स में या इस खम्मन में या इसके स्वाद में। फ्रेशनेस भरपूर है, स्वाद भरपूर है। जब भी आइएगा अहमदाबाद, दास खम्मन शॉप ज़रूर आइएगा, आपको ये एक्सपीरियंस बेहतरीन लगेगा। ऐसे तो बहुत सारे आउटलेट है, ये फ़िलहाल नवरंगपुरा का आउटलेट है और यहाँ भी बहुत लोग आते हैं। तो आप जहाँ भी जाएँ अहमदाबाद में, किसी भी जगह है, आप अगर सर्च करेंगे दास खम्मन शॉप तो मुझे लगता है आपके 2-4 किलोमीटर के दायरे में, आसपास में, सिटी के अंदर ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दास खम्मन शॉप के बाद अब मैं आया हूँ अहमदाबाद की दूसरी मशहूर जगह में, और ये मशहूर है यहाँ के जलेबी फाफड़ा के लिए। अहमदाबाद या गुजरात का नाम आए और जलेबी फाफड़ा की बात ना निकले, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको लाया हूँ सबसे मशहूर जलेबी फाफड़ा जहाँ पे मिलता है, ये है ओसवाल। ओसवाल यहाँ पर जलेबी फाफड़ा के नाम से ओसवाल मशहूर है। ये इनकी शॉप है, काफ़ी पुरानी, लगभग 55 ईयर्स हो गए इस शॉप को। और ये इनकम टैक्स चौराया है, नवरंगपुरा भी पास में ही है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके फाफड़ा जलेबी में ऐसी क्या बात है और बात करेंगे फाफड़ा जलेबी के बारे में। चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं अब रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ और मैंने अपने लिए एज़ यूजुअल, क्योंकि फाफड़ा जलेबी के लिए ये फेमस है ही है, तो जलेबी है, फाफड़ा है। और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की ये लीलवा कचौरी भी बड़ी मशहूर है। लीलवा कचौरी यानी ये डम्पलिंग्स है और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की फिलिंग्स होती है, दाल ग्रीन कलर की, ग्रीन वाली जो दाल होती है ना, जो टाइप की, उससे ये बनाते हैं अंदर फिलिंग करके, तो ये भी इनके काफ़ी मशहूर है। बाकी तो रेड चटनी, ग्रीन चटनी और ये पपैया है, और शायद इसे भी संभारा ही कहते हैं। गुजरात में ये शब्द काफ़ी मशहूर है। और ये तो कढ़ी है, तो ये देखिए बड़ी मशहूर चीज़ें हैं यहाँ की। फाफड़ा और जलेबी आपने अगर देखा हो तो फाफड़ा जलेबी हमेशा साथ में खाए जाते हैं, इसका नाम भी हमेशा साथ में लिया जाता है, फाफड़ा जलेबी। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति में जब हम कभी उपवास खोलते हैं तो वो जो उपवास हम खोलते हैं उसकी शुरुआत हमेशा बेसन से करनी चाहिए। तो यहाँ गुजरात में ये फाफड़ा फेमस हो गया क्योंकि उपवास के बाद इसे खाया जाता था अगले दिन। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक कहानी ये भी है कि प्रभु श्री राम को जलेबी, जिसे शाशकुली स्वीट कहा जाता था, और जलेबी से रिजेम्बलेंस था उसका, तो ये जलेबी उन्हें काफ़ी पसंद थी, और हनुमान जी को ये फाफड़े काफ़ी पसंद थे, ऐसा कहा जाता है, इन बेसन से बनी हुई वो चीज़। तो इस तरह इसका कुछ कॉम्बिनेशन बन गया कि प्रभु श्री राम की पसंदीदा चीज़ और हनुमान की पसंदीदा, तो हनुमान जी के ये फाफड़े काफ़ी प्रिय थे। तो इसी तरह फाफड़ा और जलेबी, ये कहानियाँ हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। बाकी तो इसका ऐसे कहते हैं कि हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी है, क्योंकि जलेबी जो है वो अक्सर दूध के साथ खाई जाती है और माइग्रेन जो है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए। और फाफड़ा जो है वो वैसे ही प्रोटीन युक्त होता है, चाहे वो डीप फ्राइड होता है, बट स्टिल इसे प्रोटीन से भरा हुआ कहा जाता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ आखिर इतनी मशहूर यहाँ पर क्यों है।
आपने उदयपुर वाला या व्लॉग देखा हो हमारा हल्दी घाटी वाला व्लॉग, तो उसमें भी इसवाल जंक्शन में इसी तरह के फाफड़े का एक व्लॉग था वहाँ पर, और वहाँ भी काफ़ी मशहूर है ये। तो चलिए इसे ये कड़ी से ही डिप करते हैं, क्योंकि फाफड़ा अक्सर इसी के साथ खाया जाता है। ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, ज़्यादा थिक भी नहीं है, एग्जैक्ट जैसे होने चाहिए वैसे हैं, और जो एक क्रिस्पीनेस जितनी होनी चाहिए उतनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कड़क हो गए हैं, लेकिन एक परफेक्ट टेस्ट ज़रूर आ रहा है। पपैया जो संबारा इसे कहते हैं, इसे तो पपैया को ग्रेट किया जाता है और उसके बाद उसे फ्राई किया जाता है, हल्का सा सॉटे टाइप फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई नहीं, तो ये भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बेहतरीन है। और इसके साथ ये जलेबी, अब जलेबी देखिए आपने ज़्यादातर थोड़ी सी थिक देखी होगी, लेकिन ये काफ़ी पतली है और क्रिस्पी भी बहुत लग रही है, तो क्योंकि पतली है शायद इसी वजह से ये ज़्यादा क्रिस्पी है। खैर ये तो बेहतरीन है ही, इसी के लिए मशहूर भी है। लीलवा कचौरी ट्राई करते हैं। ये देखिए ये ऐसी फीलिंग है इसकी, और ये हम इस ग्रीन चटनी के साथ साथ ही इस रेड चटनी में डिप करते हैं। हर चीज़ का स्वाद बेहतरीन है। जब कोई चीज़ या कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट मशहूर होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है, और यहाँ पर ओसवाल फाफड़ा जलेबी सेंटर में वो बात है। तो अगर हम मॉर्निंग में आते हैं तो ये सारी चीज़ लाइव बाहर बनती है इनके शॉप के बाहर, इनके रेस्टोरेंट के बाहर, लेकिन थोड़े से लेट हो गए हम, इस वजह से ये हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर ये आपको व्लॉग दिखा रहे हैं। तो जब भी अहमदाबाद सिटी आते हैं इस जगह पर ज़रूर आइएगा, यहाँ से हम और किसी मशहूर जगह पर चलते हैं। थैंक यू। तो अब मैं आया हूँ अहमदाबाद की एक और मशहूर जगह, नाम है रायपुर भजिया हाउस। ये है वो शॉप, हालांकि शॉप के ऊपर नाम लिखा नहीं है, लेकिन लगभग 75 इयर्स पुरानी इनकी शॉप है। मार्केट इलाका है, रायपुर गेट है पास में, और उसी के ठीक बगल में ये रायपुर भजिया हाउस है। तो बड़ा मशहूर है, अब आप देख सकते हैं ये 5-6 लोगों की लाइन लगी है। जब मैं आया तब ये लाइन थोड़ी और लंबी थी, और क्योंकि अभी आफ्टरनून हो गई है, लगभग 12 बज के गए हैं, तो थोड़ी सी लाइन कम है, और बारिशों में लोग कहते हैं कि यहाँ लोगों को 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, और ये लाइन बहुत लंबी होती है। तो बड़ी मशहूर जगह है ये भी, स्ट्रीट फूड तो नहीं है, है तो इनकी शॉप है, लेकिन आपको जो एहसास होगा वो स्ट्रीट फूड का ही होगा, क्योंकि यहाँ अंदर बैठकर खाने की कोई जगह है नहीं। आपको पेपर में ये बांध कर दे देंगे और फिर आपको यहीं पर खड़े खड़े ये पकौड़ों का मज़ा लेना है। तो चलिए देखते हैं कि ये पकौड़े हैं कैसे, आइए। तो ये मैंने पकौड़े या भजिया ये मैंने ले लिए हैं, यानी कि शॉप के बाजू में मैं बैठा हूँ, और ये देखिए ये तो है जो मुंबई के वड़ा पाव कहते हैं, उस टाइप के हैं, वड़े हैं, अंदर आलू की फिलिंग है। ये मेथी के भजिए हैं, साइज़ देख सकते हैं वड़े की और इसकी सेम साइज़ है दोनों की, और ये है आलू के पकोड़े। अब ये बड़े मशहूर हैं यहाँ पर पकोड़े, आपने कई जगह खाए होंगे, तो शुरुआत इनके ये सबसे जो मशहूर है इस पकोड़े से करते हैं। स्वाद तो है अच्छा, नो डाउट, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर है, लेकिन स्वाद भी बढ़िया है। ये आलू वाला टेस्ट कर लेते हैं, और ये अक्सर शादियों में वगैरह मैंने देखे हैं इस प्रकार के छोटे बड़े। खैर पकौड़ों के अगर आप शौकीन हैं तो ये जगह आपको पसंद आ सकती है, आपके लिए बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। मुझे तो, मैं पकौड़ों का थोड़ा कम शौकीन हूँ,
आइएगा, कालूपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर है ये, और अच्छे हैं। अगर आप पकोड़े पसंद करते हैं तो ये रायपुर भजिया हाउस जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रायपुर भजिया हाउस के ठीक सामने एक रेडी वाले भाई साहब है, मुकेश नागर चोड़ाफड़ी। अब मैंने सोचा आपको चोड़ाफड़ी भी दिखा दूँ। ये अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों में ज़्यादातर ये बड़ी मशहूर चीज़ है, लोग स्नैक टाइम पे भी इसे खाते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे भी इसे खाते हैं। बेसन की बनी होती है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन स्टिल यहाँ गुजरात में, यहाँ अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मशहूर वाली ऐसी कोई शॉप नहीं है यहाँ पर, लेकिन जगह जगह हर जगह हर गली के कॉर्नर पे या कहीं ना कहीं बिजी स्ट्रीट पे ये चोड़ाफली आपको दिख जाएगी। तो ये इस तरह की होती है, ये देखिए ये चोड़ाफली है, इसके ऊपर इन्होंने मसाला डाल रखा है और ये साथ में इन्होंने ग्रीन चटनी दी है। तो ये मैंने देखा अहमदाबाद में कि हर जगह जहाँ देखता हूँ कोई ना कोई लोग 5-7-8 लोग एनी टाइम ये खाते मुझे नज़र आ जाते हैं। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये है अहमदाबाद की मशहूर चोलाफली, ये प्रोडक्ट ही अपने आप में बहुत मशहूर है। तो टेस्ट करते हैं, चटनी के साथ खाने से तो कोई टेस्ट समझ नहीं आया क्योंकि चटनी का स्वाद आ गया। मैं ये मसाले वाली ये खा के देखता हूँ, ऐसे ही स्वाद तो अच्छा है। अब ये कैसा स्वाद है मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता कि किससे मिलता जुलता स्वाद है, लेकिन हाँ स्वाद अच्छा है। कुछ हद तक अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो जो बेसन की जो पापड़ी होती है उस तरह का स्वाद है ये, बाकी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। क्वांटिटी है, मैंने तो आधी ली है, अदरवाइज़ ये डबल क्वांटिटी में आती है। यहाँ पर एक प्लेट आप कहेंगे तो इससे डबल क्वांटिटी हो जाती है, लेकिन हाँ पेट पर ये लाइट है, इतना फ़र्क पता नहीं चलता है क्योंकि ये फुली हुई है, स्टिक है जो फुली हुई है, तो इतनी भारी नहीं है ये, तो पेट पे आपको लाइट ही लगेगी। तो जब भी अहमदाबाद आते हैं तो ये चीज़ भी ट्राई कीजिएगा, चोड़ाफली नाम है इसका। यहाँ से हम किसी और जगह चलते और कोई स्पेशल चीज़ देखते हैं इस सिटी की। चलिए, रायपुर भजिया हाउस के ठीक पास में बड़ी मशहूर लस्सी मिलती है, श्रीजी लस्सी नाम है, श्रीजी लस्सी कॉर्नर। यहाँ पर आपको थोड़ी वॉइस अलग ज़रूर लग रही है क्योंकि माइक का इशू था, तो ये ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है हमें। ठीक है, लस्सी पर आते हैं दोबारा। तो काफ़ी मशहूर है इस इलाके में, और वैसे क्योंकि ये मार्केट इलाका है तो यहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं जो लोकल्स में काफ़ी फेमस है। तो उसमें ये एक श्रीजी लस्सी कॉर्नर है, बिल्कुल पास में ही है श्री भजिया हाउस के बिल्कुल करीब में। यहाँ आ सकते हैं, वैसे शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, और ये सिर्फ लस्सी बेचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बेचते। 6-7 टाइप की लस्सी है, मैंने ड्राई फ्रूट लस्सी मंगवाई और इसका टेस्ट बेहतरीन था, काफ़ी अलग सा स्वाद था। लस्सी वैसे ही बड़ी पॉपुलर है, नॉर्थ में तो काफ़ी पॉपुलर है, अब तो ओवरऑल लस्सी काफ़ी फेमस हो गई है। स्मूदी है एक प्रकार की, अगर इंग्लिश में कहे तो स्मूदी कही जाएगी ये, और ये स्मूदी में भी सबसे पहली देखा जाए तो ये जो योगर्ट से जो दही से जो बनने वाली चीज़ है वो पूरे वर्ल्ड की पहली चीज़ है। स्मूदी में ये इसका नंबर 1 आता है, और भारत में ही पंजाब में इसका इन्वेंशन हुआ था, अब तो पूरे भारत में पॉपुलर है। हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं इसके। तो यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर इस जगह आइएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अहमदाबाद की मशहूर खाने की जगह आपको बताई। अगले व्लॉग में देखते हैं और कौन सी जगह हम जा सकते हैं, बिकॉज़ सिटी काफ़ी बड़ा है तो एक एपिसोड में तो कवर हो नहीं सकता। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और हाँ जितनी जगह बताई वहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।